राजस्थान वीरों की भूमि है और रणबांकुरों की धरती है, इतिहास गवाह है। राजस्थान में रणभेरियां बजती ही आई हैं, चाहे राजा महाराजा के समय हो या वर्तमान का युग हो। वर्तमान में जिस तरह से राजस्थान में स्थिति परिस्थिति है, उसमें कांग्रेस की महारैली का आयोजन हुआ है। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आई, प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस की महारैली का आयोजन हुआ। हुंकार भरी राहुल गांधी ने, हुंकार भरी प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के नेताओं ने। सोनिया गांधी की उपस्थिति रही, किस तरह का संदेश आम जन में गया इस रैली से। राहुल गांधी ने रणबांकुरी की धरती पर निडरता का संदेश दिया कि डरे नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आखिर किससे नहीं डरना है? महंगाई को लेकर रैली का आयोजन हुआ, महंगाई पर भी शब्द बाण चले, लेकिन महंगाई से ज़्यादा हिंदुत्ववादी पर शब्द बाण चले, मोदी पर शब्द बाण चले और भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से निशाना पर रही। किस तरह से इस रैली का संदेश जाएगा आम जन में और कांग्रेस राजस्थान में किस तरह से मजबूत होगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार कांग्रेस में खुशी की लहर है, बड़ी विशाल रैली हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में जो कांग्रेस में बिखराव दिख रहा था, आज एक मंच पे शक्ति प्रदर्शन हुआ है। क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा प्रियंका गांधी ने और क्या कहा कांग्रेस के आला नेताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जयपुर में कांग्रेस की महारैली का आयोजन हुआ, सोनिया गांधी का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, राहुल गांधी का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और सभी राजनेता मंच पर एकता का भाव लिए। सोनिया गांधी की उपस्थिति में दिखे, सोनिया गांधी ने भी आम जनता का अभिवादन किया और राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री संग जनता का अभिवादन किया। अपार भीड़ उमड़ी, जिस तरह का संदेश दिया गया मंच से, वो एक ऐतिहासिक बना कांग्रेस के लिए। आम जनता तक यह संदेश कितना गहरा उतरेगा, यह तो समय ही बताएगा। क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा प्रियंका गांधी ने, क्या कहा कांग्रेस के आला नेताओं ने और क्या कहा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने। और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुलते आपसे बोलूं। आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। क्या दो जीवों की एक आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। यह एक चीज नहीं है, यह दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है?
फर्क मैं आपको बताता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए मिट जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है, उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्ता रहा है। हिंदू भाइयों बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है, हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निकल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर दबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपने काफी भाषण क्यों दिया, क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है? हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है मुझे दिखा दो, कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ,
सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया, इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सिलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इसराइली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है, ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुवादी नहीं है, ये हिंदू है, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुवादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है, मगर हिंदू को नहीं दबा जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद करके खत्म कर दिया, 7 साल में। जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है, कर्जा माफी की। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, सनी जी बैठे, हर स्टेट पे हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मारा। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा।
बहनों, पीछे से छुरा मारा। और फिर कहते हैं जब जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चली जी बैठे। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं नहीं, चन्नी जी से आप पूछेंगे कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। हाँ कहना सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हाँ तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी। और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए। तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई, चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है। भाइयों बहनों, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए, डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए, चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए, घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर, आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए, दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए अच्छे दिन किसके, हम दो हमारे दो उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, गोल्ड माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया दो लोग देखेंगे आपको, अडानी जी अंबानी जी, उनकी गलती नहीं है। देखो भैया आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे आप क्या वापस दे दोगे, नहीं दोगे, उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अडानी अंबानी को क्या दे, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है, देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? क्योंकि यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अंबानी जी की जगह है, अदानी जी की जगह है, मगर वो रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार हमारा किसान पैदा करता है, रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, दुकानदार छोटा दुकानदार पैदा करता है, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, उनको तो खत्म कर दिया, मिटा दिया। भाइयों बहनों, 1% आबादी के पास 33% धन, 10% आबादी के पास 65% धन, 50% आबादी के पास 6% धन, ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को इस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और आप देखना ये देश एक आवाज से खड़ा होगा, राजस्थान एक आवाज से खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी जी को रास्ता दिखाएंगे।
अपनी आंखों से देखा। बाकी देशों ने अपने लोगों के जेब में पैसा डाला। नरेंद्र मोदी जी ने 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया, उनके जेब में पैसा डाला और मजदूरों को ट्रेन छोड़ो बस भी नहीं दी, पैदल हजारों किलोमीटर चले। सौ 200 लोग सड़क पे मर गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, मर जाओ। रोजगार की बात करते हैं, आज 60 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में। आज क्यों? क्योंकि आपने रोजगार देने वाली नीति हड्डी तोड़ दी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की नोटबंदी, कोरोना ने आपने समर्थन नहीं दिया छोटे बिजनेस वालों को, सब खत्म हो गए। रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार 2-3 उद्योगपति नहीं पैदा कर सकते। रोजगार लाखों दुकानदार, लाखों छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, करोड़ों किसान पैदा करते हैं। सच्चाई है देश की, और देश को भाइयों बहनों ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं डरता नहीं हूं। सत्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटने वाला, मगर सच्चाई देश को पहचाननी पड़ेगी। चाइना ने अरुणाचल में, लद्दाख में हमारी जमीन ली है। मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ, किसान 700 किसान शहीद हुए, मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों को चोट लगी है, लेकिन ये जानते हुए कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है, उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार 1000 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला, घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मैं ऐसे परिवार से मिलके आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुचले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी बुजुर्गो भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज ये अत्यारी रैली
मेरे हटाओ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से प्रदेशवासियों की ओर से सोनिया जी का राहुल जी में धन्यवाद करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय रैली आजादी के बाद में पहली बार दिल्ली के बाहर हो रही है। इतिहास बना जयपुर के अंदर रैली होने राजस्थान वासियों के फख्र की बात है। जो समस्या है घर घर में लोग दुखी हैं, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है। आज ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं ये परिलक्षित कर रहे हैं उन भावनाओं को जो पूरे देश के अंदर जो देशवासी हैं विशेष रूप महिलाएं हैं मिडिल वर्ग के लोग हैं आदिवासी हैं पिछड़े हैं दलित वर्ग के लोग हैं गरीब आदमी हैं महंगाई की मार उसके वजह से पड़ती है। पूरे देश में आपको यही माहौल मिलेगा जो आज जयपुर मिल रहा है। इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 7 साल का कोष शासन आपके कांग्रेस ने जो घोषणाएं की है उसके अनुसार से तो रैली बिल्कुल फेल है। पहले कहा था 2 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, फिर कहा 1 लाख इकट्ठा करेंगे। अरे मैदान में 30,000 ही कुर्सियां थी तो फिर 1 लाख एक कुर्सी में 2 बिठाए दे क्या? और फिर जो उत्साह दिखना चाहिए था मुझे तो उस उत्साह में दिखा नहीं। और वास्तव में ये कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी हटाओ वाली रैली थी। इसका मतलब यह है कि वो नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं कर रहे, देश के उन गरीब लोगों का जो मसीहा है उसको ये हटाना चाहते हैं जो गरीब को गणेश समझ करके उसकी सेवा कर रहा है। और सच में GST और इसको लेकर के बार बार बोलता है, पर मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो राजस्थान में। भैया तू इतना तो बोलता है यार, थोड़ा तो कंट्रोल करो। सबसे महंगा पेट्रोल और अगर डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पास किस जो राज्य है उनके बराबर तो लिया हो, इतना तो इसको कह जाते। इसे आपने देखा होगा कि महिला बलात्कार की दृष्टि से हिंदुस्तान में पहला राज्य कोई बन गया है तो राजस्थान बन गया, उसके बारे में बोलते। छोटा मोटा कोई रेप हो जाता है तो आप सब दौड़ के उत्तर प्रदेश चले जाते हो। अरे यहाँ यार 5वीं के बच्ची के साथ मास्टर महीनों तक अगर बलात्कारी काम करे उस सरकार को भी तो यार वहाँ जाके पूछ के आते क्या हुआ यार ये है ना। 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार भी होता है और गला भी घोटा जाता है, इसके बारे में भी तुमने तो वास्तव में तुम कमियों के बारे में नहीं है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे पेट में दर्द कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी हटाओ रैली के नाम से कहो इसको तो ज्यादा अच्छा लगे।